हेलो डिजन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवेन है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सोल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। ठीक है, एंड इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर, देन वॉट वुड बी इट्स कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से अगर करें तो हमें कंसनट्रेशन फाइंड करना है ना। अब क्वेश्चन में इसमें आप जो सॉल्यूट का वेट 36 ग्राम दिया है, मोलर मास होगा, उससे भी कर सकते हैं, या सबसे सिंपल तरीके से आपको जिसका भी हमें कंसंट्रेशन निकालना, उसमें गिवन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 1.52 बार, ओके। आर की वैल्यू होता है 0.08, ठीक है, 3 बार, ठीक है, लीटर पर केल्विन पर मोल। तो बार में है तो हमें बार वाला आर की वैल्यू देना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है कितना, 300 केल्विन, ठीक है, और फाइन क्या करना है अपने को, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक चीज़ और है, ग्लूकोज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला सिंपल सा, पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है, और हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो पाई डिवाइड में आई इंटू आर टी, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, तो पाई की वैल्यू कितना है, 1.52 डिवाइड में 1, और आर की वैल्यू 0.083, और टेम्परेचर कितना है, 300। तो यहाँ से 0.061 आएगा इसका कंसंट्रेशन। तो फाइनल इसका जो आंसर बनेगा कंसंट्रेशन, वो 0.061 आएगा, ओके। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है, आप जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है उसी का हमें कंसंट्रेशन निकालना है। टेम्परेचर सेम है तो मतलब आपको यही टेम्परेचर लेके चलना है, आर की वैल्यू पता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 23 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 पार्ट दिए गए हैं और इसमें आपको कंपाउंड का नाम लिखा है, पेयर्स हैं, और उसमें आपको बताना है कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में, तो एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक वंडर वॉल फोर्स होता है। इसका जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स होगा, ठीक है, वंडर वॉल फोर्स होगा, या फिर इसके प्लेस पे आप डिस्पर्जन फोर्स भी दे सकते हो, ठीक है, डिस्पर्जन, या फिर इसको लंडन फोर्स भी बोलते हैं, दो जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, ये जो मॉलिक्यूल एक्चुअल में ये है आयोडीन और CCl4, ये भी दोनों नॉन पोलर है, इसमें भी कौन सा फोर्स होगा, वंडर वॉल फोर्स ही होगा, ठीक है, या फिर इसमें डिस्पर्जन या लंडन फोर्स भी दे सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड है और वाटर है, वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और ये जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इनके बीच क्या होगा, आयंस होगा। तो वाटर में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वाटर में होता है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल होता था, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो पोलर और एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मिथेनॉल एंड एसीटोन के बीच, ठीक है, तो मिथेनॉल जो होता है वो आपका क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, और एसीटोन भी एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है। तो मीथेनॉल भी पोलर है, एसीटोन भी क्या होता है, पोलर।
इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? वो होगा डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एसीटो नाइट्राइल कंपाउंड है। एसीटो जो नाइट्राइल कंपाउंड होता है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल की, देखो कार्बन पे इसमें प्लस पे माइनस आएगा नाइट्रोजन पे, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और एसीटोन भी क्या है, पोलर, ऐसे पहले वाले में देखा। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। तो पहले दूसरे में वंडर वॉल फोर्स या डिस्पर्जन या लंडन फोर्स बोल सकते हैं। तीसरे में आयनिक कंपाउंड है, आयन एंड वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन डाइपोल। और लास्ट के सेकेंड में डाइपोल, डाइपोल बिकॉज बोथ मॉलिक्यूल आर पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सा सॉलिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वही यहाँ पर देखना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बात करें एक्सरसाइज क्वेश्चन 24 का, तो ये क्या दिया है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी इन एन ऑक्टेन। दैट मीन्स ये जो एन ऑक्टेन है वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। ठीक है, और एक्सप्लेन, और यहाँ पर ये जो कुछ कंपाउंड दिए हैं ये सॉल्यूट की तरह काम करने हैं, तो आपको ये बताना कि इन सॉल्यूट में से सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल कौन होगा, उसका एक ऑर्डर आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले हमें ये पता है कि लाइक डिजोल लाइक, ठीक है, इस चैप्टर में अपने लाइक डिजोल लाइट का मीनिंग क्या होता है कि पोलर सॉल्यूट ऑलवेज डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट ऑलवेज डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसी का मीनिंग होता है लाइक डिजोल्व लाइक। तो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर जो एन एक्टेन दिया हुआ है इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। एन एक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8 और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, एल्केन कंपाउंड है और ये क्या होता है नॉन पोलर, है ना। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट इज मोर देन पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर ये ऑक्टेन नॉन पोलर है तो उसमें नॉन पोलर जो होंगे सॉल्यूट वो ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे देन पोलर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पहले पोलैरिटी की अगर बात की जाए इन चारों में, है ना, तो सबसे ज़्यादा जो पोलर है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी होगा KCl का होगा। उसके बाद अल्कोहल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके बाद आएगा पोलैरिटी मिथेनॉल का, उसके बाद आएगा CH3Cl नाइट्राइल कंपाउंड का, और उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड का, और ये आपका पोलैरिटी का ऑर्डर है। तो इसका जस्ट अपोजिट जो ऑर्डर बन जाएगा वो सॉल्युबिलिटी का, ठीक है, ऑक्टेन में। तो सॉल्युबिलिटी का जो फाइनल आंसर बनेगा, सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये सबसे, ये क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा। उसके बाद होगा इथेनाइट्राइल, देन यहाँ पर मिथेनॉल होगा, और सबसे कम जो सॉल्युबल होगा एन ऑक्टेन में दैट इज KCl, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पोलर है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन तीनों क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।